भगवान, जय भगवान, जय ज्ञानेश्वर। आज हमारे पालखी दर वर्ष के प्रमाणे सैकड़ों वर्षों से चल रहा है प्रथा। पालखी हमारी इधर से ज्ञानेश्वर की निकलती है और लाखों लोग उसके साथ जमते हैं और चलते चलते भगवान का नाम लेते लेते इधर से हमारी ऑफिस के सामने से ही हम लोग आरती करके इधर से विदाई देते हैं और उसके साथ में लाखों लोग दिल्ली के रूप से निकलते हैं। और ईश्वर की कृपा से इतना वर्षों के अंदर लाखों लोग गए, गाड़ियाँ और बैलगाड़ियाँ और टैक्सी सब कुछ साधन गए, मगर आज तक कोई भगवान की कृपा से पालखी को कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ज्ञानेश्वर साथ में ही रहते हैं। और ज्ञानेश्वर साथ में है जभी तो इतना लाखों की संख्या में आदमी लोग चल के जाते हैं। और हम भी भाग्यशाली है कि हमारा इधर गोपालपुरा में 231 फुट का बहुत बड़ा मंदिर है। मुझे लगता है भारत में कोई कहाँ जगह पे ऐसा होगा 231 फुट का। और वो भी कहाँ महत्व का है कि इंद्राणी के कांठे के ऊपर मंदिर तो बहुत जगह पे रहते भी है, मगर इंद्राणी के कांठे के ऊपर रहना, मैंने माँ से बड़ी इंद्राणी है वो कांठे के ऊपर मंदिर है। हजारों लोग कल भोजन ले रहे थे, हमारे चंद्रकांत भाई भी उधर गए थे, हमारे तिवारी जी भी गए थे, शिल्पी साहब गए थे, मनोहर दीवानी तो उधर ही रहते हैं हमारे नगर सेवक। तो कहने का मतलब हमारे सुब्रताई ठाकरे भी गए थे, बेबीताई धरत भी गए थे, वो प्रकाश पाटिल भी गए थे उधर, बोल तो खड़ा रहने का जगह नहीं था। सिंपी साहब बोलता है उधर, और आज नहीं दर वर्ष को उधर खड़ा रहने का जगह नहीं होता है, ये सब भगवान की कृपा से होता है। और हमारा NKT थाना वाला के तरफ से दर वर्ष को हजारों नहीं लाखों लोगों को प्रसाद मिलता है, हजारों पिशवी में प्रसाद देते हैं और लाखों लोग को वो प्रसाद सबको मिलता है। प्रसाद हमारा नहीं है, ज्ञानेश्वर का है, भगवान का है। और भगवान का प्रसाद हम देते हैं भगवान को, और लेने वाले हम समझता हूँ भगवान है, क्योंकि और कोई स्वार्थ बिगैर वो लोग चल के जाते हैं विठ्ठल रुक्मणी कर करके, क्योंकि विठ्ठल रुक्मणी में भी हमको भगवान दिखता है, क्योंकि भगवान है। जब भी उधर 8-10 लाख लोग हमारी पंढरपुर के अंदर पहुँचते हैं 20 दिन से चल चल के, रास्ते में जहाँ जहाँ मुकाम होता है वो मुकाम करते हैं और बाद में पहुँच जाते हैं। तो हम MKT थाना वाला बहुत प्रख्या मैं समझता हूँ भाग्यशाली हूँ कि हमारी ये ऑफिस मनोहर दीवानी जो चा का भंडार भी है और नगर पालिका के सामने है, और रथ निकलता है वो हमारी ऑफिस से सामने से निकलता है, तो उस रथ से मौका मिलता है दर्शन करने का, और दर्शन करने के बाद आस्ते आस्ते वो चले जाती है पंढरपुर तक, तो रास्ते में कोई तकलीफ नहीं होता है। फिर से लाखों को प्रसाद लेने वाले को धन्यवाद देता हूँ, भोजन प्रसाद लिया उनको भी धन्यवाद देता हूँ, और ये सब वाली के में जाने वाले लोगों को भगवान की कायम कृपा वर्षे, और भगवान का नाम साथ में तो भगवान का नाम ही आने वाला है और कुछ आने वाला नहीं, तो लेते लेते हो जाते। हमारे मामलेदार चंद्रकांत डुमरे जी जो हमारी पद पेढ़ी है 12 शाखा है, उसके चेयरमैन भी है, और सभी शाखा का उद्घाटन भगवान की कृपा से मैं किया हूँ। कोरोना में 2 बरस के अंदर हमने लाखों करोड़ रुपया लोन दिया लोगों को, सोना के ऊपर भी दिया, और 131 कोरोना में हम लोग सेंटर खोले थे, लाखों लोग रोज 2.5 लाख खाना खाते थे, ये सब भगवान की कृपा, आप लोग का आशीर्वाद। जय भगवान। ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थान निमित्त या ठिकाणी महाराष्ट्रातील हजारो दिंड्या दशमीला आळंदीमध्ये येतात, आणि हा सोहळा जगातला एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अद्भुत असा दिंडी सोहळा आहे। संत ज्ञानेश्वर महाराज हे महाविष्णूचा अवतार, सगळा माझा ज्ञानेश्वर, जे महाविष्णूचा अवतार असणारे संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या भूमीतून सगळ्या दिंड्या या ठिकाणावरून प्रस्थान होतात, आणि हा 17-18 दिवस चालणारा हा दिंडी सोहळा संपूर्ण जगाचं लक्ष वेधणारा असा हा अद्भुत असा दिंडी सोहळा आहे। या सोहळ्याच्या निमित्ताने आदरणीय आमचे नांजीबाई खिमजीबाई ठक्कर ठाणावाला, जे संपूर्ण भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये दानशूर व्यक्ती म्हणून प्रसिद्ध आहे, त्यांच्या वतीने या ठिकाणी बुंदी महाप्रसाद गेली अनेक वर्ष वाटण्यात येतो। आम्ही सगळे मुंबई ठाण्यावरून सगळे वारकरी या ठिकाणी येतो आणि सेठच्या समावेत हा प्रसाद देतो, आणि आम्हालाही आनंद वाटतो। सगळ्या दिंडी सोहळ्यातील भक्तांना मनापासून शुभेच्छा, धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। ज्ञानेश्वर महाराज आज या पालखी सोहळ्यानिमित्त शेठ गेले 14 वर्ष या ठिकाणी त्यांचं ऑफिस आहे, या ऑफिस संपर्क ऑफिस असल्यामुळं या ऑफिसमधून पालखी सोहळा जातो, पूर्ण देशातून या ठिकाणी वारकरी बांधव येत असतात, या ठिकाणी या सर्व बांधवांना प्रसाद वाटायचं काम षटकातात। तसंच हे जे ऑफिस आहे या ऑफिसमधून
ज्या लोकांना मंदिरासाठी मदत केली जाते, गरीब लोकांना मदत केली जाते, कपडे लगते, व्यसनमुक्तीचं काम या ऑफिसमधून केलं जातं, भरपूर कामं केली जातात. सांगाल तेवढं थोडं आहे. जवळजवळ 250 गावांना त्यांनी कळस, मार्बलच्या मूर्त्या, फरशा, स्टाईल असे या ऑफिसमधून दिलेले आहेत. असो त्यांना वारकऱ्यांना आणि त्यांना दीर्घायुष्य लाभो अशा प्रकारच्या शुभेच्छा देतो. आणि शिवाय या ठिकाणातून वारकरी, आता लाखो वारकरी गेलेले आहेत, त्यांना सुद्धा मी शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि दोन शब्द थांबतो. अशा अलंकापुरीमध्ये श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या पालखी प्रस्थानच्या वेळेस त्यांच्या बरोबर त्यांचे चारही भावंड निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई हे या ठिकाणी पंढरपूर या ठिकाणी पालखी प्रस्थानासाठी त्यांच्या बरोबर असतात. आणि ते एकत्र वाखरीमध्ये सर्व संत एकत्र येऊन पुढे महायोग पीठे तटे भीमरथ्या वरम पुंडरीकाय दातून मुंद्र्या समागंत तिष्ठंत आनंद कंदम परब्रह्म लिंगम भजे पांडुरंगम या ठिकाणी एकत्र आल्यानंतर सर्व भावंड आणि सर्व गजानन महाराज असे महाराष्ट्रातून अखिल महाराष्ट्रातून या ठिकाणी वारकरी संप्रदाय संपूर्ण एकत्र येऊन या ठिकाणी त्यात लहान थोर स्त्री पुरुषांचे एकत्र येतात. आणि 750 वर्षापूर्वी ज्ञानेश्वर महाराजांनी आपल्याला समतेचा या पालखी सोहळ्यातून संदेश दिला आहे. हा सर्वात मोठा संदेश हा जगाच्या पाठीवर असा सोहळा कुठेच नाही. एवढं बोलून मी नगरीमध्ये पालखी प्रस्थानाच्या कार्यक्रमामध्ये आदरणीय सेठ नांजीबाई ठक्कर ठाणावाला हे उपस्थित होते. आणि सालाबादप्रमाणे जे भक्त वारकरी आळंदीवरून पंढरपूरला पायी पालखी घेऊन जातात त्या भक्तांना NKTच्या मार्फत आमचे दिवाणींचं ऑफिस आळंदीमध्ये इथे अनेक वारकऱ्यांना, हजारो वारकऱ्यांना आपण बुंदीचा प्रसाद देतो. आणि ते नांजीभाई आणि त्यांचे पूर्ण टीम त्याच्यामध्ये दिवाणींचे सगळे लोक आणि उपस्थित राहून वारकऱ्यांचं दर्शनही घेतात आणि त्यांना आनंदाने प्रसाद देतात. दरवर्षाप्रमाणे हे काम नेहमी चालू असते आणि त्याच्यामध्ये हजारो लोकांचं सहकार्य असतो. या निमित्ताने आम्हाला इथे हजारो भाविकही भेटतात. त्याबद्दल माझ्या मुरबाडच्या वतीने NKT ट्रस्टला आणि दिवाणींना आणि इथल्या सर्व वारकऱ्यांना धन्यवाद देते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.